Today's topic is common factor and highest common factor. Highest common factor means HCF. आज हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 16। 24 और 16 का कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से पहले फैक्टर्स निकालना होगा, जो हम लोग इसके पहले क्लास में सीख चुके हैं। तो हम लोग निकालेंगे 24 का फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है, 24 का फैक्टर्स निकालने आता होगा आपको। 1 से 24 टाइम्स में 24, 2 से 12 टाइम्स में, 3 से 8 टाइम्स में, 4 से 6 टाइम्स में, और 5 से डिवाइड किया होगा, उसके बाद 6 आ चुका है। इस तरह से हमने पहले पिछले वीडियोस में सीखा है कि कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या मिला हमें, 1, 2, 3, 4, हम लोग उसको लिखते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 6, 8, मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ, ठीक है, 12 and 24, ये था फैक्टर्स ऑफ 24। अब हमें किसका फैक्टर्स निकालना है, 16 का। तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16। सिमिलरली हम लोग 16 का फैक्टर्स निकालेंगे, 1 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 3 से तो 16 डिवाइड होगा नहीं, 4 से 4 टाइम्स, 4 के बाद 4 यहाँ आ चुका है, तो अब हम लोग को आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो फैक्टर्स क्या क्या आया, 1, 2, 4, यहाँ फिर से 4 लिखा हुआ, तो 4 को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, फैक्टर्स हम लोग रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, 8 and 16। तो ये हमारे पास 24 और 16 के फैक्टर्स हो गए। अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर पहले लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 16 आर। अब देखेंगे 24 और 16 में कौन कौन सा फैक्टर्स हम लोग को कॉमन मिल रहा है, यानी कि दोनों ही में है। तो ये देखिए, 1 जो है हमारे पास दोनों ही में है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। 2 भी हमारे पास दोनों में है, तो क्या मिला, 3 में ही है, क्योंकि 3 हमारा 24 का फैक्टर है बट 16 का नहीं है। 4 देखिए, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो 4 भी हमारा कॉमन फैक्टर में आ गया। 6 हमारे पास 24 का फैक्टर है बट 6 16 का फैक्टर नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब दोनों ही का फैक्टर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 8, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आया, 12 24 इसमें नहीं है और 16 हमारा 24 के फैक्टर्स पे नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या मिला, 1, 2, 4 and 8। अब इसमें से हम लोग को हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा जो फैक्टर है, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग एचसीएफ भी कहते हैं। एचसीएफ क्या हो गया, सबसे हाईएस्ट के, इसमें से जो हमें कॉमन फैक्टर मिला है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है, 8, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 8। तो इस तरह से किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, 18 and 21। एटीन और 21 का कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18, हमें क्या क्या निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 18 और फैक्टर्स ऑफ 21, ठीक है, पहले दोनों के फैक्टर्स को निकालेंगे। तो 18 का फैक्टर देखिए, 18, 1 से हम लोग पहले करेंगे,
फिर टू से, टू से नाइन टाइम्स में डिवाइड होता है तीन, ठीक है। ये हमने पहले टू से सीखा है, अगर भूल गए हो तो पहले का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। फिर थ्री से एटीन सिक्स टाइम्स में, फोर से एटीन डिवाइड नहीं होता है, फाइव से नहीं होता, सिक्स तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हम लोग फैक्टर्स लिख देंगे एटीन का, वन टू थ्री सिक्स नाइन एटीन, ठीक है। तो फैक्टर्स लिखेंगे वन टू थ्री सिक्स नाइन एंड एटीन। नेक्स्ट हम लोग ट्वेंटी वन का फैक्टर्स लिखेंगे, वन से ट्वेंटी वन, टू से तो डिवाइड नहीं होगा, थ्री से, थ्री सेवन का ट्वेंटी वन, फोर से नहीं डिवाइड होगा, फाइव से नहीं होगा, सिक्स से नहीं होगा, सेवन तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए, तो हम लोग सारा फैक्टर्स लिखेंगे वन थ्री सेवन एंड ट्वेंटी वन, ठीक है। अब इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर्स और हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसका किसका निकाल रहे हैं, 18 एंड 21, 18 एंड 21 आर, देखिए क्या क्या मिला कॉमन फैक्टर में हमें। सबसे पहले तो यहाँ वन मिल रहा है, दोनों में कॉमन है, वन सब में ही कॉमन रहता है, इसलिए वन कॉमन फैक्टर हमेशा मिलेगा आपको। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, थ्री, इसमें भी है इसमें भी है, तो वन एंड थ्री दो ही फैक्टर्स कॉमन मिला और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट रहेगा वो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, थ्री। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से जो नंबर दिया हो उसका कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाएगा।